हाय गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। तो अभी का सीन कुछ ये है कि टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15 के पास टाइम है और मौसम बहुत अच्छा हुआ है, जैसे बारिश हुई हुई है काफ़ी ज़्यादा और ठंड भी है थोड़ी सी, आई ठंड भी हुई हुई है। तो जब मैं निकला बाहर, मुझे नहीं पता था कि बारिश हुई हुई है, जब मैं तैयार शहर होकर बाहर निकला तो देखा होते बाहर तो बारिश हो रही है। अच्छा चलो, खैर सबसे पहले चलते यूनिवर्सिटी से फ्री होके हमने जाना है आज तुम राइड। तो आज का काम थोड़ा सा, बहुत बिजी डे आज का होने वाला है, तो चलते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी, वहाँ से फ्री होते हैं और फिर निकलते हैं तुम राइड के लिए। आज मेरे साथ हो गया प्रैंक। अभी प्रैंक क्या हुआ, मैं गया बस पे, कार्ड लगाने लगा, कार्ड के अंदर पैसे ही नहीं, वॉलेट चेक किया, वॉलेट के अंदर भी पैसे नहीं। तो ये हो गया मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक। अभी सबसे पहले चलते हैं एटीएम मारते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे नहीं यूज़ करता, मैं ज़्यादा कार्ड यूज़ करता हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पास एक मनाद भी नहीं रह गया वॉलेट के अंदर। तो चलते हैं सबसे पहले एटीएम में मारते हैं, थोड़े से पैसे रखते हैं साथ, नहीं तो जिस दिन हम फंस गए उस दिन बुरा ही फंसेंगे। चलते हैं पहले एटीएम से पैसे उठाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के लिए चलते हैं। Tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away. तो अभी हो चुके हैं हम अपनी यूनिवर्सिटी से फ्री, तो अभी सीधा चलते हैं मेट्रो की तरफ, बैठते हैं मेट्रो में और सीधा चलते हैं गाइड से जाने की 2-3 बजे। एक तो ये देख रहे हैं बहुत बुरी हालत हुई हुई है मेरी, बहुत ज़्यादा बाल बड़े हुए हैं, बियर्ड बड़ी हुई हुई है, तो जाते हैं उधर, एक तो ये काम कराना है वहाँ से। दूसरा यहाँ पे असल में यहाँ पे जो है वो सही, जिस तरह की मैं करवाता हूँ उस तरह की कोई करता नहीं है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके करवाते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक दो और काम है छोटे छोटे, वो निपटाते हैं और मामू से मिलते हैं। तो फिर चलते हैं जल्दी से और मेट्रो की तरफ, सर्दी बहुत है आज, अभी तक बारिश हो रही है हल्की हल्की। चलते हैं इंशाल्लाह, तो मिलते हैं आपको आगे। अभी पहुंचा मैं, तो चलते हैं सबसे पहले ऑफिस, क्योंकि कोई एक महीना हो गया है कि मैंने हमारी मुलाकात नहीं हुई। मिलते हैं सबसे पहले जाके मामू को, तो इंशाल्लाह फिर कटिंग वगैरह कराते हैं। एक काम तो निपटा लिया, अब कटिंग करानी है और एक और काम है, वो करते हैं और फिर जल्दी से वापसी के लिए निकलते हैं। Yeah,
हाँ जी गाइस, तो भी हम कटिंग शटिंग करा के हो गए हैं फ्री, जैसा कि आप देख रहे हैं फुल पप्पू बच्चे बन गए हैं, कटिंग शेव करा के रोल लिया क्योंकि उसको कॉल की, वो कहता भाई ऐसे स्पीडोमीटर है जैसे नेड़ी में छापर उड़ के आता है। तो मैं स्पीडोमीटर गया जाके कटिंग कराई और फिर बस अभी फ्री हुआ। और सैलून कितना दूर था मैं बताता हूँ, आज हमने सैलून ही चेंज कर लिया। जैसे ये है ऑफिस और वो है जी सैलून जहाँ से कटिंग कराई आज हमने, मतलब आज हम ज़्यादा दूर नहीं गए, आज हमने यहाँ पास ही कटिंग कराई है और फिर कटिंग करा के फ्री हुए। तो इंशाल्लाह बस अभी निकल रहा हूँ थोड़ी देर में मैं बाकू के लिए, क्योंकि यहाँ पे काम है वो निबेटते हैं और फिर निकलते हैं बाकू। कल से बहुत हरामी वाले व्लॉग बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा एक बहुत ही प्यारा भाई आ रहा है जी, वो भी जॉर्जिया में है अभी, वो कल की उसकी फ़्लाइट है। तो इंशाल्लाह कल से फुल हरामी किस्म के व्लॉग बनेंगे और कल से हम फिर बहुत जिसको कहते हैं फुल हरामी वाली किस्म की वाइब्स इकट्ठी कर लेंगे ताकि वो हमें याद रहे हमेशा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्दी से, मैं फ्री हो लूँ काम से, तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं बाकू और राफी। So tell me you're no good. I'm brushing away to you the way to you. Hi guys, तो अभी मैं निकला था वापस बाकू के लिए, अभी रोड पे हूँ। शायद मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी मेरे साथ हो गया है प्रैंक हो गया है जी, हमारी गाड़ी होगी ख़राब रास्ते में। मेरे पीछे है ये गाड़ी ऐसी खड़ी है और गाड़ी बिल्कुल होगी हुई है अभी ख़राब। तो अभी वो मुझे लगता है शायद पेट्रोल शायद इसका ख़त्म हो गया है, तो भी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। वो गया है भाई यहाँ से उस साइड से नीचे उतर के वहाँ पेट्रोल पंप है, उधर गया है शायद पेट्रोल लेने गया है। तो इंशाल्लाह देखते हैं पेट्रोल का मसला है क्या मसला है, इंशाल्लाह अब वो ले के आते हैं डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये मेन हाईवे है जो सुम्बाई से बाकू की तरफ जाता है सीधा, तो भी मेन हाईवे पर हम फंसे हुए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, गाड़ी सही भी होती है या फिर यहाँ से हमें कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा। देखते हैं वाटर डालते हैं पेट्रोल फिर देखते हैं। तो मैं पहुंच गया था घर, बस खाना वगैरह खाया और बस फ्री हुआ वहां से। तो अभी यहां पे मैं अपने ब्लॉग को कर रहा हूं एंड बिल्कुल, क्योंकि कल हमें उठना है जल्दी, क्योंकि कल हमारे बहुत ही प्यारे भाई आ रहे हैं तो उनको रिसीव करना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।